ए गोरी। अरे का हो? अरे भाई बिजली कहाँ गिरी? एक बिजली तोहरा छाती पर गिरी जानल। अरे हमारा छाती पर गिरला से कोनो मतलब नहीं खे, लेकिन हम देखा था नहीं कि चट्टी चौराहा पर लड़का बवाल मचौले हूँ। जे ही नते ही मुंह उठौले चली आता। अरे तू तो तू है बुढ़ावन के छोड़ा ना, इस शरीर जहाँ चलो जब बवाले होल है। अरे भाई ठीक बा, लेकिन देख ताक के चलल करे, फागुन महीना चढ़ल बा। कहल का चाहतड़ बोला तोहरे कारण काए हो। अरे ए बबुआ। बोला भौजी। सुना हे शरीरिया पर खर्चा लगे तब ऐसा लौकत जानल। अरे भाई ठीक भाई, हम कहा कहा तनी के तोहरी शरीरी पर खर्चा ना होला। एकदम देहाती भूचड़े हो का? अरे भाई ठीक बा, वो हम माना तनी, लेकिन कम से कम मौसम के हिसाब से चले के चाहिए। सुना। बोला यही झूलनी पर हो भौजी। लेकिन हमारो बात सुन लो। बोला हाउ भौजी के बहिन मोती बना सावते। बोला भाऊजी। अरे हर जगह बवाल होला, वो बवाल के चक्कर में तू मत पड़ो। का है? सुना। बोला फेपना बोच धके आईनी रसड़ा उतरी गईनी। फेपना बोच धके आईनी रसड़ा उतरी गईनी। और जाना तल का भइल? का भइल भाऊजी? रतनपुर में हो, रतनपुर में आई के अनहार भइल होलिया में मार भइल। ए भौजी, लेकिन एगो बात मान लो, कुल तो कैलू ठीक बा, लेकिन रतनपुरा अलू, रतनपुरा से जब भेमपुरा पहुँचलू ये काम बहुत बड़ गड़बड़ कर दियलू। अच्छा तो का कहले बनी बोला था? आर भी स्टूडियो में अलू यहाँ के सोनू के भरमाऊलू। बोला भौजी। अब तो के कितना समझाई हो? बोल जा। एकदम हमारा तो बुझा था कि घोचुए तू बाड़। ऐसन बात मत कह। तब का सुना। बोलो बेलौजा टेम्पू से हम आईनी वहाँ रंग से नहाईनी। लोग एक
के स्वागत करेला आ तू कहां जन्म गांव घर के रहे वाला आदमी वो बात सही बा सुना बोला बेलौजा टेम्पू से हम आईली वहां रंग से नहैली